हेलो दोस्तों, नमस्ते। एक बार फिर से आप सभी का हैप्पी मॉम चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, अपने डेली लाइफ को आसान बनाने के लिए अमेजन से कुछ लेटेस्ट गैजेट के साथ एक नए वीडियो में फिर से आ गई हूँ। ये सभी गैजेट्स आप अमेजन ऑनलाइन शॉपिंग ऐप से घर बैठे ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। साथ में प्रोडक्ट के बारे में चेक करना हो तो लिंक के थ्रू आप चेक भी कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंशन कर दिए हैं, वहाँ से प्राइस को भी चेक कर सकते हैं। तो चलिए बिना डिले के आज की वीडियो को शुरू करते हैं। किचन काउंटर को मैसी होने से बचाने के लिए यह है किचन स्पेस ऑर्गेनाइजर बैग, जिसे कॉर्नर में रख सकते हैं और इसके अलग अलग सेल्फ में आप किचन से रिलेटेड सामानों को ऑर्गेनाइज करके इसमें रख सकते हैं। इसमें डोर भी दिया हुआ है। ट्रांसपेरेंट यह टिश्यू पेपर ऑर्गेनाइजर बॉक्स, जिसे सेल्फ एडहेसिव करके वॉल में लगा सकते हैं, जिसमें टिश्यू को आप रख के निकाल सकते हैं। 5 टियर का यह किचन ट्रॉली, जिसमें रोटेटिंग इसमें बास्केट्स लगे हुए हैं, जिन्हें आप अलग भी कर सकते हैं। इसमें किचन में इसे आप रख सकते हैं, जिसमें ग्रोसरी आइटम, वेजिटेबल, फ्रूट, इन सभी को इसमें ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। इसमें काफ़ी स्पेस दिया हुआ है। 2-in-1 ये है मोमो मोल्डर एंड गुजिया मेकर, जिसमें आप छोटी चपातियाँ भी बना सकते हैं और साथ में मोमोज और गुजिया को इसमें मोल्ड भी कर सकते हैं। यह वेजिटेबल पीलर विथ स्टोरेज बॉक्स, जिसमें लॉन्ग हैंडल आराम से आप पकड़ सकते हैं और इसमें छिलकों को आप कलेक्ट करके एक ही बार में क्लीन भी कर सकते हैं। डोर के एंट्री साइड और फ्लोर में इस्तेमाल होने वाला यह एंटी स्लिप वाटरप्रूफ कारपेट, जिसे इस तरीके से आप लगा सकते हैं फ्लोर में, जिससे आप इजिली क्लीन भी कर सकते हैं, फ्लोर में अच्छे से सेट होकर रहता है। एयरटाइट यह है राइस कंटेनर, जिसमें आप 10 kg के अराउंड राइस को स्टोर करके इसमें रख सकते हैं। ये बकेट शेप का है और साथ में ट्रांसपेरेंट होने से इसलिए आप राइस को देख भी सकते हैं और ये एयरटाइट कंटेनर है। 2 टियर का यह है डिश रैक, जिसमें स्लाइडिंग इसमें रैक दिए हुए हैं, साथ में इसमें वाटर को कलेक्ट करने के लिए ट्रे भी इसमें लगे हुए हैं, जिसे डिश को वॉश करने के बाद इसमें रख सकते हैं। वाटर को भी इसलिए आप क्लीन कर सकते हैं इस ट्रे की हेल्प से। यह स्पाइस बॉक्स, जिसमें 4 सेक्शन दिए हुए हैं, यह ट्रांसपेरेंट है, साथ में हैंडल भी दिया हुआ है और लिड भी दिया हुआ है, जिसे आप किचन में इसे यूज कर सकते हैं। मल्टीफंक्शनल छोटे से यह हुक्स, जिसे आप घर में अलग अलग पर्पज के लिए इन हुक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये पंच फ्री हुक्स है और छोटी मोटी चीज़ें इसमें हैंग करके इस तरीके से ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। इलेक्ट्रिक यह कैप ओपनर टूल, जिसे इस तरीके से बोतल के कैप और जैम के कैप को इजीली निकाल सकते हैं। सिलिकॉन के बने हुए यह है क्लिप्स, जिसे फ्रिज के साइड वाले सेल्फ को डिवाइड करने के लिए इन क्लिप्स का इस तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें सामानों को ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। पोर्टेबल यह है स्टैंड, जिसमें शूज और स्लीपर को वॉश करने के बाद ड्राई होने के लिए स्टैंड में रख सकते हैं। वॉशिंग एरिया और बाथरूम में इस्तेमाल होने वाला यह है स्टोरेज कैबिनेट, जिसमें अलग अलग ड्रॉर में बाथरूम और वॉशिंग एरिया के रिलेटेड सामानों को इसमें ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। यह बहुत अच्छी क्वालिटी के प्लास्टिक से बना हुआ है और स्लिम शेप का है, कम एरिया में भी इसे सेट करके रख सकते हैं। स्टील का बना हुआ लार्ज साइज का यह है बाउल, जिसमें स्पेशली रोटी का आटा बनाने के लिए इसे यूज कर सकते हैं, सरफेस में भी चिपकता नहीं है। किचन में सीरियल को ऑर्गेनाइज करके रखने के लिए प्लास्टिक के बने हुए यह बैग्स, जिन्हें अच्छे से आप पकड़ भी सकते हैं, साथ में इसमें कैप भी दिया हुआ है, जिससे इसलिए दाल और राइस को निकाल भी सकते हैं। यह है वेजिटेबल ग्रेटेड एंड स्लाइसर, जो राउंड शेप का है और इसमें डबल लेयर दिए हुए हैं। इसमें लॉन्ग हैंडल की मदद से आराम से इसे पकड़ भी सकते हैं और वेजिटेबल को ब्लेड्स की हेल्प से अलग अलग शेप में इसमें ग्रेट एंड स्लाइस कर सकते हैं। इसमें ग्रेपर भी दिया हुआ है। ब्यूटीफुल यह सेल्फ एडहेसिव स्टिकर्स, जिन्हें पुराने फ्लोर में आप अच्छा लुक देने के लिए इन्हें इस तरीके से जस्ट पील एंड स्टिक करके इन्हें फ्लोर में लगा सकते हैं। यह वाटरप्रूफ है और हीट रेसिस्टेंट है। किचन के टैप के साइड में इस्तेमाल होने वाला यह स्पंज ऑर्गेनाइजर है, जिसे हुक की मदद से इस तरीके से इसे टाई करके आप टैप के साइड में इसे लगा सकते हैं, जिसमें स्पंज, ब्रश, इन सभी को अच्छे से ऑर्गेनाइज करके इस रैक में रख सकते हैं। यह इलेक्ट्रिक पॉट, स्पेशली ये एयर फ्रायर है, जिसमें आप फूड को इजिली इसमें स्टीम एंड इसमें कुक कर सकते हैं। ये ऑयल को कम एब्जॉर्ब करता है और हेल्दी इसमें फूड बनाता है। ये अमेजन पे अलग अलग प्राइस में अवेलेबल है। एंटी स्लिप यह है शावर मैट, जिसे स्पेशली बाथरूम में इस तरीके से फ्लोर में लगा के आप इसमें बाथ कर सकते हैं, और फ्लोर में स्लिप होने से बचने के लिए ये मैट बहुत ही यूजफुल है।
ब्यूटीफुल डिजाइन में बनाया गया है इलेक्ट्रिक यह केटल, जिसमें टेम्परेचर भी आप इसमें मेजर कर सकते हैं और इसलिए आप इसमें ग्रीन टी और वाटर को बॉयल कर सकते हैं। वार्डरोब के ड्रॉर में सॉक्स को ऑर्गेनाइज करके रखने के लिए स्लिम शेप के यह बॉक्स है, जिसमें इस तरीके से आप सॉक्स को फोल्ड करके अच्छे से ड्रॉर में आप सेट करके रख सकते हैं। किचन में इस्तेमाल होने वाले मल्टी फंक्शनल ये है स्ट्रेनर, जिसमें पकड़ने के लिए लॉन्ग हैंडल भी दिया हुआ है। इसे आप किचन में अलग अलग पर्पज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। डाइनिंग टेबल के चेयर के लेग में इस्तेमाल होने वाले सिलिकॉन के बने हुए ये है कवर, जिसे इस तरीके से चारों लेग में लगा सकते हैं, जिससे आप अपने फ्लोर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं स्क्रैच होने से। कैबेज को कट करने के लिए यह है अमेजिंग टूल, जिससे इस तरीके से कैबेज को कम टाइम में आप फटाफट इस तरीके से ग्रेट कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। सोजा स्लीपर को अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखने के लिए स्लिम शेप के ये है रैक, जो प्लास्टिक से बने हुए हैं, ये डबल रो में भी आपको मिलेंगे। इसमें आप सोजा स्लीपर को इस तरीके से ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। फ्लैट शेप का यह क्लीनिंग मॉप, जिसमें लिक्विड सोप को आप फिल करके इसे अपर एरिया और फ्लोर दोनों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे आप 360 डिग्री में इस तरीके से रोटेट भी कर सकते हैं। इसमें लॉन्ग हैंडल दिया हुआ है, जिससे आप घर के हर एक कॉर्नर को इसलिए इस तरीके से क्लीन कर सकते हैं। ये घर के इस्तेमाल के लिए बहुत ही यूजफुल मॉप है। लिक्विड सोप डिस्पेंसर यह है रैक, जिसे किचन के सिंक में डिशेज को क्लीन करने के लिए इसे इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। एग स्टोरेज यह है रैक, जिसमें डबल सेल्फी दिए हुए हैं। इसमें सिंगल ट्रे में आप 16 के अराउंड इसमें एग को स्टोर करके रख सकते हैं। टोटल आप इसमें 32 एग को स्टोर करके इसे किचन काउंटर और फ्रिज में रख सकते हैं। फूड ट्रे यह है स्टोरेज रैक, जिसे डाइनिंग टेबल में फूड के ट्रे में इस तरीके से रख सकते हैं। इसमें लीड भी दिया हुआ है। किचन में कटिंग टूल में इस्तेमाल होने वाला मल्टी लेयर का यह सीजर, जिससे आप वेजिटेबल को इस तरीके से कट कर सकते हैं। पोर्टेबल यह है टॉयलेट सीट, जिसे इमरजेंसी में और घर में पेशेंट हो या एडल्ट लोग हो, उनके लिए इस सीट का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी क्वालिटी के प्लास्टिक से बना हुआ है। किचन की वॉल में इस्तेमाल होने वाला यह है वॉल माउंटेड स्पाइस ऑर्गेनाइजर रैक, जिसमें किचन के लिक्विड आइटम इसमें जैसे ऑयल, सोया सॉस, विनेगर को इसमें फिल कर सकते हैं। इसमें चार बोतल दिए हुए हैं, जिसमें आप लिक्विड को इसमें फिल करके यूज़ कर सकते हैं। साथ में नीचे सेक्शन में स्पाइसेस को आप इसमें स्टोर करके कुकिंग करते टाइम यूज़ कर सकते हैं। ये अमेजन पर अवेलेबल है। डिश को स्क्रब करने के लिए यह है ब्रश, जिसमें आयरन के इसमें ब्रशेस लगे हुए हैं, जो थोड़े हार्ड है। इसे इस तरीके से स्क्रब करके आप बर्तनों को वॉश कर सकते हैं। बाथरूम की वॉल में इस्तेमाल होने वाला वॉल माउंटेड यह टिश्यू पेपर ऑर्गेनाइजर बॉक्स, जिसमें टिश्यू पेपर को ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं, साथ में निकाल भी सकते हैं। इन्हें मैजिक स्टिकर के हेल्प से वॉल में लगा सकते हैं। टॉयलेट क्लीनिंग यह है ब्रश, जो चेरी शेप के है। इसे इस तरीके से आप निकाल के और टॉयलेट सीट को स्क्रब करके इसी रैक में रख सकते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ आज की वीडियो को यहीं पे मैं एंड करती हूँ। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जल्दी मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।